Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Universal News Awards. मेरा हमेशा से सपना था कि मैं एक ऐसा अखबार, एक ऐसा पब्लिकेशन शुरू करूं जो सिर्फ सच छापे, झूठों और नकली लोगों से भरी इस दुनिया में हमारा अखबार सच की लड़ाई, छोटी ही सही लेकिन एक बड़े संघर्ष की जमीन तैयार करने की कोशिश। हमारा अखबार एक आम आदमी से जुड़ा उतना ही जितना कि एक प्रभावशाली व्यक्ति से जुड़ा। सही मायनों में देखा जाए तो आवाज आम आदमी को वो मंच देता जहां से वो उसकी आवाज इस सारी दुनिया तक पहुंचा सके। ये मेरी मां का सपना और आज उसके आशीर्वाद से सच हुआ। आवाज मेरी मां के सिद्धांतों पर चलता और आज इस अवार्ड के साथ मेरी मां के आदर्शों, उनकी सीख, उनकी सोच को पुरस्कार मिला। इसलिए मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि ये अवार्ड मुझे मेरी मां उर्मी ईशान सिन्हा के हाथों से मिले। मां, आवाज भले ही मेरे आदर्श और सिद्धांतों पे चलता हो लेकिन मेरे ख्याल से इस अखबार में काम करने वाला हर एक इंसान इस सफलता का भागीदार है। ये सबकी मेहनत का नतीजा है, सबके परिश्रम का फल है और शौर्य के साथ साथ एक और इंसान है जिसने आवाज को ये रूप दिया है। आवाज की आवाज, यंग, पैशनेट, चुनौतियों से जूझने वाली हमारे अखबार की एक ऐसी पत्रकार जिसकी निष्ठा इस अखबार के साथ कुछ वैसी जुड़ी है जैसे एक भक्त की निष्ठा अपने भगवान के मंदिर के साथ जुड़ी होती है। समाज का सच सबके सामने लाने वाली और वो है दिया, मिस दिया तिवारी, हमारी दिया, मिस दिया तिवारी। दिया, प्लीज कम ऑन स्टेज। मिस दिया तिवारी, वे आर यू? आइए, नहीं तो आपको दिया लेकर ढूंढना पड़ेगा। मिस दिया तिवारी, कम ऑन स्टेज।
हाय, कांग्रेस शौर्य, बड़े कम टाइम में बड़ा अच्छा नाम कमा लिया। थैंक यू। बाय शौर्य। चीकू तुम्हारे साथ रहकर ठीक से काम कर रहा है ना? हाँ माँ, बच्चा है लेकिन शैतानियाँ गई नहीं इसकी अब तक, लेकिन इंटेलिजेंट बच्चा, कमर्शियल अच्छे से हैंडल कर लेता। आई थिंक इज डूइंग प्रीटी वेल। गौरव भैया भी बहुत खुश ये देखकर कि चीकू कुछ तो ठीक से कर रहा है। रिया क्यों नहीं आई हूँ? पता नहीं माँ, आप जानती हो कैसे, उसका कोई भरोसा नहीं, उसके मन में जो आए वो करती है, खबरें तो कहीं से भी पैदा कर लेती है, आज भी कुछ ऐसा ही कर रही होगी। शौर्य दिया काबिल है, पैशनेट है, इस उम्र में ऐसी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी है, बहुत अच्छी, लेकिन प्लीज हाँ ये सब उसके सामने मत बोल देना, ऐसे ही सर चढ़ जाती हो और आपकी बातें सुन के ही उसका पागलपन और बढ़ जाता है, 10 में से 9 बार उलझती, निकालता कौन? ब्रो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अपने वो जामदार का हिट एंड रन केस राकेश को ही दिया था ना? हाँ, क्यों क्या हो? दिया ने उसे टेक ओवर कर लिया, उसी की कवरेज के लिए गई थी इसलिए वो यहाँ पे नहीं आई। हर चीज में घुसती है, अरे ऐसे कैसे? ब्रो, रिलैक्स, मैं फोन पे चेक करता हूँ। देखा, यही कह रहा था मैं, उसे मना किया था कि ये स्टोरी कवर नहीं करना, लेकिन चली गई हिरण बनने। शौर्य करने दो उसे। माँ, कॉम्प्लिकेटेड, रिस्की, उसके लिए ठीक नहीं। लड़की है इसलिए। नहीं माँ, लड़की है इसलिए नहीं। स्टूपिड, इंपल्सिव, सच की तह तक जाने के लिए कुछ भी करती, कहीं भी घुस जाती। अरे हर स्टोरी ऐसे कवर करती जैसे कि उसकी आखिरी स्टोरी, ऐसे कोई काम करता है क्या? मेहनती है, अच्छा करती है, लेकिन इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर हर, और ऊपर से ये केस हाई प्रोफाइल केस है। शौर्य, प्रिया समझदार है। माँ, आई जस्ट वांट माय स्टाफ टू बी सेफ, और कुछ नहीं। अब मुझे जाना पड़ेगा। तुम कहाँ जा रहे हो? आपके दिया को रोकने, वरना ऐसा जाके उलझेगी कि सुलझाते सुलझाते मेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी। मैं देखता। पर भाई कहाँ देखोगे, मैं उसको फोन कब से ट्राई कर रहा हूँ, फोन भी नहीं उठा रही है मेरा। आई नो वो कहाँ गई होगी। कहाँ जा रहा है? जीजा जी, मैं मीटिंग का टाइम फिक्स कर रहा हूँ, एसएमएस कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन मीटिंग कल की रखना। बिल्कुल। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। थैंक यू। रानी जी, शौर्य का अवार्ड मिला है, उसकी मिठाई। शौर्य बाबा को इनाम मिला है, बहुत अच्छी बात है, लाखों में एक है शौर्य। आज शौर्य ने हमारा सीना चौड़ा कर दिया भाई, हर जगह शौर्य उर्मी सेना का नाम लिया जा रहा है। I'm so proud of him, really. सब आप लोगों की ब्लेसिंग्स है। हाँ? एक मिनट, इसमें तुम्हारी तपस्या का भी फल है जो शौर्य की उपलब्धियों के रूप में दिखाई दे रहा है। जीजा जी, सच कहूं मुझे तो शौर्य में उर्मी और ईशान दोनों की छवि नजर आती है। हाँ भाई, और तभी तो वो अपने आप को शौर्य उर्मी सेना कहता है। करेक्ट। मम्मी दिखाई नहीं दे रही। उर्मी, वो तो तुम जानती हो, दामिनी की जान अपनी पोती में अटकी हुई है, अब पोती घर में नहीं है तो अपने कमरे में होंगी। अरे उर्मी, ईशानी अभी तक ट्रेकिंग से आई नहीं। हमने तो सुना है कि लोनावला में बहुत तेज बारिश हो रही है। पापा शायद वो। लो, ईशानी का नाम लिया और ईशानी हाजिर। तुम भी गई हो, कपड़े चेंज कर लो वरना प्लीज। ये जो प्यार व्यार का नाटक है ना, ये मेरे साथ करने की कोई जरूरत नहीं है।
मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ये जो झूठ मूठ का प्यार दिखा के आपको लगता है ना मेरी माँ बन सकती है, ऐसा कभी नहीं होगा, समझिए आप? ईशानी, how are you behaving? ये कोई तरीका बात करने का? मत भूलो कि ये माँ है तुम्हारी। नहीं है मेरी माँ ये। अगर ये मेरी माँ होती तो मेरे पापा को इन्होंने मुझसे छीना नहीं होता। और वैसे भी एक माँ अपने बच्चे को जन्म देने के अलावा भी काफी कुछ करती है। दिन पर दिन इस बात को बेवजह बड़ा बनाती जा रही हो। हजार बार समझा चुके हैं तुम्हें कि इस बात के लिए अपनी माँ को दोष देना बंद करो। I'm sorry, बड़े पापा, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। फिलहाल आप इन्हें समझाइए कि ये मुझसे दूर रहे। और शट अप ईशानी, किसे चुप करा रहे हैं आप? और क्यों अनिरुद्ध, ऐसा भी क्या गलत कह दिया उसने? ठीक ही तो कह रही है। और ईशानी ही क्यों, ईशानी की जगह कोई भी बच्चा होता तो इस बात को कैसे भूल जाता कि उसे एक दिन भी बाप का साया नसीब नहीं हो। और इस बात की वजह सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ है। ऐसी माँ को कोई भी बच्चा कैसे माफ कर सकता है? प्लीज दामिनी, क्यों बेचारी उर्मी को 20 साल से लगातार उस गलती की सजा दी जा रही हो जो गलती कभी उसने की ही नहीं? अब तो उस बात के लिए उसे दोष देना बंद करो। क्यों ना दे, क्यों ना दूं? सच अगर सुनने में कड़वा लग रहा है तो अब क्या सच का भी गला घोट दूं? हड़ी माँ, है मेरा बच्चा। आज अगर ईशानी के सर पर बाप का साया नहीं है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उर्मी है। सब कुछ खत्म कर दिया इसने। दामिनी, कब तक तुम वही बात बार? अरे तुम तो पूरी तरह से भीग गई हो, जल्दी से चेंज कर लो वरना सर्दी लग जाएगी। जल्दी जाओ। जी बड़ी मां। तुम जल्दी से चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए तुलसी और काली मिर्च की चाय लेकर आती हूँ। जाओ। पता नहीं हम हालातों को कैसे बदल पाएंगे पापा। 20 साल पहले जो हुआ उसे हम नहीं बदल सकते। कैसे समझा ईशानी को कि जिंदगी ने हमें एक अजीब मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है। पति ने हमें पलकों पे बिठाए रखा और बेटी हमारा चेहरा तक देखना पसंद नहीं करती। ईशान चाहते थे कि उनकी बेटी बिल्कुल हमारी तरह हो,
जिस बेटी का हमें बेसब्री से इंतजार था, आज वो हमसे बहुत ज्यादा नफरत करती है पापा। अपने पापा की मौत का हमें जिम्मेदार मानती है, इतनी नफरत करती है कि इंसल्ट करने का एक मौका तक नहीं छोड़ती। उर्मी, बेटा, तुम तो जानती ही हो इसमें ईशानी की कोई गलती नहीं है। ये सब दामिनी की दी हुई गलत सीख का नतीजा है। मुंह ईशानी का होता है, लेकिन मुंह से निकले शब्द दामिनी के होते हैं। आज इतने सालों के बाद भी हमारे बेटे ईशान के गुजर जाने का दुख, उसका गुस्सा वो गलत तरीके से निकालती रहती है। पता नहीं क्यों वो इस बात को समझना ही नहीं चाहती कि ऐसा करके वो अपनी लाडली पोती के जीवन को संवार नहीं रही है, बल्कि उसे बर्बादी की तरफ ले जा रही है। ईशानी हमारा चेहरा तक पसंद नहीं करती पापा। ईशानी ये सब कुछ ना समझी में कर रही है बेटा। I'm sure वक्त आने पर वो तुम्हें जरूर समझ जाएगी। पता नहीं वो वक्त कब आएगा पापा। 20 साल से हम इंतजार कर रहे हैं, और अब ईशानी छोटी नहीं रही, वो बड़ी हो चुकी है, समझदार हो चुकी है। और जैसे जैसे उसकी समझदारी बढ़ रही है, वैसे वैसे उसके दिल में हमारे लिए नफरत और कड़वाहट बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है एक दिन उसकी कड़वी बातें सुन सुनकर हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे। हम तुम्हारा दर्द समझते हैं उर्मी बेटा। वक्त के पास हर दर्द का इलाज है, हर जख्म भर देता है वक्त। मम्मी भी हमें ईशान की मौत का जिम्मेदार मानती है, और शायद मरते दम तक मानती रहेगी। हम क्या करें उर्मी, हम खुद थक चुके हैं उसको समझाते समझाते, और शायद वो समझना ही नहीं चाहती। हम जानते हैं उर्मी। बेटा इतने दुखी मत रहा करो, तुम्हारी तकलीफ अब देखी नहीं जाती हमसे। भगवान पे भरोसा रखो, बुरे दिन भले ही धीरे धीरे चले हैं, लेकिन आखिरकार वो चले ही जाते हैं। वक्त के पास हर सवाल का जवाब होता है बेटा, तुम देखना। आज नहीं तो कल ईशानी की दिल की कड़वाहट वक्त के साथ जरूर खत्म होगी। बस तुम खुश रहा करो बेटा।